वेलकम टू मोबाइल स्टडी। मोबाइल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे जोन के 12 स्टेशनों पर QR कोड आधारित पेपरलेस टिकट बुकिंग की शुरुआत की? उत्तर होगा इसका उत्तर पश्चिम रेलवे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया? KS धतवालिया। हाल ही में किसे RBI ने PMC बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? जय भगवान भोरिया को। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? SBI। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है और भारत में बैंकों की संख्या अब 12 हो गई है। हाल ही में गांधी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक होगा मुंबई में। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा ने जीता है। हाल ही में DRDO ने कहाँ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया? चांदीपुर उड़ीसा से। DRDO का मुख्यालय हो गया दिल्ली में। हाल ही IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने। क्या किसने जीता? सेली एन फ्रेजर प्रिंस ने जीता है IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 100 मीटर का। 11 क्वेश्चन, हाल ही में भवानी देवी ने बेल्जियम टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 11 क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। केरल का सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा। हाल ही में ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाने वाला है ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन। हाल ही में गांधी जी की 150वीं जयंती पर यूनेस्को ने किसके साथ समझौता किया? दूरदर्शन के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है संदीप शास्त्री। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका आंसर आप लोग को देना है। चलिए, गुड बाय।